नमस्कार दोस्तों, आओसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, चाहे बच्चों के स्वेटर में, चाहे इस कार्डिगन जैकेट कोटी में बनाइए, टोपी में बनाइए, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में आप सभी फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से बन रहा है तो हम रॉन्ग साइड में दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे। पहला फंदा हम दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुनेंगे, फिर 4 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा। 1, 2, फिर 4 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। फिर 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा। इस तरह दूसरे रंग के ऊन से 2 फंदा और 4 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा। इस तरह इन्हीं 6 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। दूसरी लाइन में पहला फंदा हमने दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुना, फिर 4 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा, फिर 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा, फिर 4 फंदा पहले रंग के ऊन से उल्टा, फिर 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा। इस तरह करते हुए हमने दूसरी लाइन कंप्लीट की। पहला फंदा दूसरे रंग के ऊन से उल्टा है और लास्ट फंदा भी दूसरे रंग के ऊन से उल्टा आया है। अब ये तीसरा लाइन और सामने से दूसरे रंग से बुने हुए सभी फंदे हम उल्टा बुनेंगे और पहले रंग से बुने हुए सभी फंदे सीधा। ये 2 फंदे दूसरे रंग के ऊन से उल्टा है तो इसे हम ये फंदे दूसरे रंग के ऊन से बुने गए हैं तो इसे हम इस लाइन में उल्टा बुनेंगे और ये 4 फंदे पहले रंग के ऊन से बुने गए हैं तो इसे हम सीधा बुनेंगे। ये फंदा 2 फंदा दूसरे रंग के ऊन से बुना गया है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चौथी लाइन और रॉन्ग साइड। अब यहाँ पे दूसरे रंग के ऊन से जितने भी फंदे हैं उन्हें अब इस लाइन में हमें पहले रंग के ऊन का इस्तेमाल करना है और दूसरे रंग के ऊन के जितने भी फंदे हैं उन्हें सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। और ये पहले रंग वाले 4 फंदे तो इन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। तो 4 फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब ये 2 फंदे दूसरे रंग के ऊन से बुने गए हैं तो इन्हें हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और ये 4 फंदे जो इसी रंग के ऊन से बुने गए हैं तो इन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। और ये 2 फंदे दूसरे रंग के ऊन से बुने गए हैं तो इन्हें हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पांचवी लाइन और सामने से अब पहला फंदा लपेटा हुआ इसे खोलेंगे और इसे 2 फंदे के बाद कर लेंगे और इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद ये लपेटा हुआ फंदा इसे खोलेंगे और 2 फंदे के बाद कर लेंगे और इन तीनों फंदों को हम वापस सीधा बुन लेंगे। फिर ये दूसरा लपेटा हुआ फंदा है इसे खोलेंगे और 2 फंदे के बाद कर लेंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इन दोनों फंदों के बीच में 4 फंदे आ गए हैं। अब इसी तरह
लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे और इसे दो फंदे के बात कर लेंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह दूसरे लपेटे फंदे को भी खोलेंगे और दो फंदे के बात कर लेंगे। और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इन दोनों लपेटे हुए फंदे के बीच में चार फंदे आ गए हैं। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का छठा लाइन और रॉन्ग साइड दो फंदा पीले रंग के ऊन से उल्टा, फिर दो फंदा लाल रंग के ऊन से उल्टा, फिर चार फंदा पीले रंग के ऊन से उल्टा, और फिर दो फंदा लाल रंग के ऊन से उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, ये दो फंदा वही है जो हमने, ये देखिए ये लपेटा हुआ फंदा जो दो फंदे के आगे और पीछे किया गया है, तो उन्हीं दोनों फंदों को हम यहाँ पे लाल रंग के ऊन से यानी दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुन रहे हैं, और चार फंदा जो इनके बीच में इकट्ठा हो गया है उसे उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, तीन, चार। फिर देखिए ये दो फंदे, ये लपेटे हुए दोनों फंदे हैं, इन्हें हम दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुनेंगे। और ये चार फंदे जो दोनों लपेटे फंदों के बीच में आ गए हैं, तो इन चार फंदों को हम पहले रंग के ऊन से उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का सातवां लाइन और सामने से पीले रंग वाले सभी फंदे सीधे बुन लेंगे और लाल रंग वाले यानी दूसरे रंग वाले सभी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो दो फंदा उल्टा, फिर चार फंदा पहले रंग के ऊन से सीधा, फिर दो फंदा दूसरे रंग के ऊन वाला उसे हम उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का आठवां लाइन और रॉन्ग साइड अब पहले रंग के ऊन से सभी फंदे बुने जाएंगे, तो जो इसी रंग का फंदा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे और जो दूसरे रंग के फंदे हैं उन्हें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और इसी रंग के ये चार फंदे हैं तो इन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। और ये दूसरे रंग के दो फंदे हैं तो इन्हें हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो में हम लपेटे हुए फंदे को खोलेंगे और ये देखिए लपेटा हुआ ये पहला फंदा है, तो इसे दो फंदे के पहले कर लेंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। और ये लपेटा हुआ दूसरा फंदा है, तो इसे दो फंदे के बाद करेंगे और फिर इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए लपेटे हुए फंदे के बीच में चार फंदा आ गया है और ये छह फंदे का डिज़ाइन है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया। अब ये फिर लपेटा हुआ पहला फंदा है, तो इसे हम दो फंदे के पहले कर लेंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। और ये लपेटा हुआ दूसरा फंदा है, तो इसे खोलेंगे और दो फंदे के बाद कर लेंगे।
और इन तीनों को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह लपेटा हुआ फंदा खुलते जाएंगे और दो फंदे के आगे या दो फंदे के बाद कर लेंगे। इस तरह हमारे पास इन लपेटे फंदे के बीच में वापस चार फंदा आ जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर रॉन्ग साइड से हम पहला यानी यहाँ से फिर से डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।